मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों का केस, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक के लिए तौसी कर दी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। केस दूसरे बेंच के सामने लगाने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की उबरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि 1972 में बतौर ताजर कारोबार का आगाज किया, एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा भी किया। 1988 में सियासत में कदम रखा, नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज्यादा सासों का केस बनाया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। इंक्वायरी में नैब की जानब से लगाए गए इल्जामात उमूमी नौयत के हैं। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया था, इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर तआवुन किया था। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता पेशी पर नैब ने कहा तफ्तीश मुकम्मल हो गयी। मैं खुद पाकिस्तान आया हूँ, कैंसर का मरीज हूँ, इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। ईद उल अज़हा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। नैब एक मुतनाज़े इदारा है जिसे इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। हुकूमत लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है।